अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं। सोलन में 23 दिसंबर को शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रस्तावित पन्ना प्रमुख सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पन्ना प्रमुख कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने सोलन स्थित पुलिस मैदान पहुंचे व कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को उचित दिशा निर्देश दिए ताकि पन्ना प्रमुख सम्मेलन में किसी तरह की कमी ना रह पाए व किसी को इस सम्मेलन के दौरान परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 3 राज्यों में मिली कांग्रेस की जीत कोई बड़ी जीत नहीं है व कांग्रेस पार्टी के नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं को अनाप शनाप बयानबाजी से बचना चाहिए क्योंकि एक दिन के लिए तो वह सुर्खियों में बने रह सकते हैं, लेकिन यदि जनता की नज़रों में बने रहना है तो भाषा पर संयम रखकर बात बोलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने विक्रमादित्य को नसीहत देते हुए कहा कि वह अपने परिवार के वरिष्ठ लोगों से कुछ सीखें, तभी वह कामयाब हो सकते हैं। वह अनाप शनाप बयानबाजी से उनका बेड़ा पार लगने वाला नहीं है। आने वाले 2019 के चुनाव में चारों सीटों पर भाजपा की जीत हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए संगठन को मजबूत करना बहुत आवश्यक है, उस काम में लगे हैं। शिमला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी का यहाँ पर जो सम्मेलन है वो 23 तारीख को है पन्ना प्रमुख का, और जिसमें केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी भी रहने वाले हैं, और संभव हुआ तो पार्टी के और वरिष्ठ नेतृत्व से भी हमने बात की है, उनमें से भी रहने वाले हैं, प्रदेश का नेतृत्व रहने वाला है। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने की दृष्टि से संगठन अपनी भूमिका निभा रहा है, और उसके साथ साथ में सरकार और संगठन मिल करके लोकसभा के चुनाव की तैयारी के लिए जुटा है। हमारा ये मानना है कि 2019 का चुनाव जब होगा तो हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से 2014 में 100% जो है वो 4/4 सीटें भाजपा को मिली थी लोकसभा में, और 2019 के चुनाव में भी 4/4 हम जिताएंगे। टिकट हमारा पार्टी का नेतृत्व तय करता है, केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, वो तय करेंगे और हम काम करेंगे। सोलन से प्रदीप धवन की रिपोर्ट।